अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब दोस्त अखबार ठीक ठाक होंगे। और आज की वीडियो में हम बात जनाब करने वाले हैं कि हम लोगों ने तालीम को हासिल कर ली, डिग्रियां हम लोगों ने कर ली, पैसा नहीं आ रहा, पैसा कहाँ से कमाएं। तो जनाब मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप घर बैठे बिठाए ऑनलाइन काम कैसे सीख सकते हैं, या फिर अगर आपके घर के इर्द गिर्द कहीं कोई ऐसा इदारा मौजूद है जो आपको अर्निंग सिखा सकता है, तो वो कौन सा इदारा हो सकता है और वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मैट्रिक में हैं या मैट्रिक कर ली है, कोई बात नहीं। इस चीज़ का जो टेक्निक मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इस टेक्निक का आप लोगों की एजुकेशन के साथ, आपकी डिग्री के साथ डायरेक्टली कोई रिश्ता नहीं है। अगर आप लोग अंडर मैट्रिक हैं, मैट्रिक वाले हैं, या फिर आप लोगों ने मास्टर्स की डिग्री की हुई है, तो जनाब आप भी ये कोर्स कर सकते हैं और कोई लंबा चौड़ा कोर्स नहीं है। चंद दिनों के अंदर आप ये चीज़ सीख सकते हैं और सीखने के बाद फिर आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन काम सीख सकते हैं और कर भी सकते हैं और फिर पैसा भी कमा सकते हैं। तो सवाल ये है कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया IT पे आ चुकी है, डिजिटल हो चुकी है, और अब हमें ऑनलाइन होना चाहिए, अब हमें भी डिजिटल होना चाहिए। आप लोग सबसे पहले तो क्या करें, आप लोग बेसिक कंप्यूटर सीखें। कंप्यूटर क्या होता है कि आप ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये चीज़ें सीखें। सीखने के बाद जो सबसे पावरफुल चीज़ होती है वो होती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग या फिर वीडियो एडिटिंग। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि मैं वीडियो एडिटिंग करूँ या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग करूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमसे ये सवाल करते हैं कि भाई मुझे ग्राफिक में जाना चाहिए या फिर मुझे वीडियोग्राफी करनी चाहिए, यानी कि वीडियो एडिटिंग करनी चाहिए। तो उस चीज़ का एक सादा सा मैं आप लोगों को जवाब देना चाहता हूँ और उसके बाद फिर आप लोग खुद भी ये चीज़ अप्लाई कीजिएगा कि फिर मुझे कहाँ पे जाना है, वीडियोग्राफी की तरफ या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ। तो जनाब एक्सपेरिमेंट ये है, सिंपल आप लोगों ने ये देखना है कि वीडियो बनाने में, वीडियो को देखने में, या फिर वीडियो की शूटिंग करने में, कैमरा को यूज़ करने में, टिकटॉक बनाने में अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है तो फिर आप लोग YouTube की तरफ जाएं। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग शाय पर्सन हैं, कैमरे के सामने नहीं आ सकते, लेकिन आपका कलम का काम बड़ा अच्छा है, आप डिज़ाइनिंग बड़ी अच्छी कर सकते हैं, आपके जहन के अंदर बड़ी अच्छी क्रिएशन आ सकती है, तो फिर जनाब सिंपली यही है कि आप लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ चलें। और तमाम फील्ड, चाहे आपकी वीडियोग्राफी है, आपकी गेम डेवलपमेंट है, आपकी ऐप डेवलपमेंट है, आपकी वेब डेवलपमेंट है, इसके अलावा और बहुत सारी डिज़ाइनिंग हैं, उन सारी चीज़ों का तल्लुक जो होता है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के साथ होता है। सबसे बुनियादी चीज़ आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, उसके बाद जाकर आप वीडियोग्राफी सीखें, फिर उसके बाद आप वेब डेवलपमेंट सीखें, फिर उसके बाद आप ऐप डेवलपमेंट और गेमिंग की तरफ आएँ और ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री बन जाती है। तो जनाब उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, सिंपल सी बात है। अगर आपका वीडियो में शौक है तो आप वीडियोग्राफी करें, अगर आपका वीडियो में शौक नहीं है तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग ज़रूर सीखें, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी स्किल है जिसके ज़रिए आप घर बैठे बिठाए पैसा भी कमा सकते हैं। अब आप लोगों ने कैसे सीखनी है, कहाँ से सीखनी है, कौन सा इदारा आपको बेहतर सिखा सकता है, आप लोग ऑफलाइन सीखें, ऑनलाइन सीखें, ये बात की बात है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो फिर आप लोग कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को गाइड करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कहां से सीखें और फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ये कम्युनिकेशन का सिलसिला जारी रहेगा। मैं एक और बात भी करना चाहूंगा कि वो तमाम दोस्त जो फाइवर पे काम कर रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, उनको बहुत सारे इश्यूज़ होंगे, तो जनाब उनके तमाम तर इश्यूज़ को हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको फाइवर के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम है, आप लोग अपना जो प्रॉब्लम है वो कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और फिर डायरेक्ट आप लोगों को उस चीज का हल बताऊंगा। अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल के ऊपर और आप चाहते हैं कि इस तरह की मजीद वीडियोस भी आप तक पहुंचे, तो जनाब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ एक बेल का ऑप्शन है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब बेल का ऑप्शन प्रेस करेंगे जो नई वीडियो होगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो आपका बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। टिल देन।